बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बनाऊंगी। ये मेरे कमीज़ का फ्रंट का पीस है, ये देखें, और इस पर मैं ये लैस लगाऊंगी गले पर डिज़ाइनिंग के लिए। इसके लिए मैंने ये प्रेस का पीस लिया है। ये टोटल पीस मेरे पास तकरीबन 4 इंच 2 पॉइंट है और इसकी लेंथ 16 इंच है, तो 3.5 इंच में रखूँगी ऊपर से गला, विर्थ इसके गले की, और 6.5 इंच इसकी लेंथ, यहाँ पर निशान लगाऊँगी 3.5 इंच का एक निशान इधर और लगा दूँगी। इसका इस तरह से स्क्वायर बना लेंगे। अब 1.5 इंच में यहाँ से रखूँगी, इसको 1.5 इंच को फोल्ड किया तो ये तकरीबन 1.25 इंच बन जाता है, ये देखें, इतना रखूँगी मैं इधर से। यहाँ पर निशान लगाऊँगी, ये 8.5 इंच में नीचे रखूँ गले का लेंथ डिज़ाइनिंग के लिए। तो इसी निशान के ऊपर आकर इस तरह से मैं एक सीधी लाइन लगा दूँगी। अब यहाँ से मैंने गले को गोल शेप देनी है, तो इधर से मैं रखूँगी 1 इंच, ये देखिए, इसके सेंटर पर इस तरह से इसको रख लेना है, इसके बिल्कुल इधर नोक पर, यहाँ पर निशान आ गया, तो इसको इस तरह से इसके साथ मिलाते हुए इस तरह से गोलाई में शेप दे देनी है। तो बैक से आप 1/2 इंच रखना चाहते हैं, 1 इंच रखना चाहते हैं, जितना ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कितना रखना आपने। तो ये मेरा तकरीबन ये भी 1/4 इंच के करीब बनता है, तो इतना ही मैं इधर से रख लूँगी। इसको इस तरह से इसके साथ मिला देना है, ये देखें, ये देखें, मैंने इसकी कटिंग कर दी है, इसकी कटिंग कर दी है। अब ये भी जो बाहर वाला पार्ट है इसके कटिंग भी कर दूंगी। मैं इसको अलग से एक कपड़े पर पेस्ट कर लूंगी। ये थोड़ी इसकी लेंथ कम थी तो मैंने साथ इसके जोड़ लगाया है, ये देखिए, इस तरह से रख के अब मैं इसको पेस्ट कर लूंगी। ये तो गला मैंने कपड़े पर पेस्ट कर लिया है, अब इसको इस तरह से मैं फोल्ड करूंगी, फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर मैंने कट लगा लिया था इस तरह से इसको फोल्ड करने के लिए। ये तो बाकी गले पर भी इसी तरह सारे सिलाई लगाऊंगी मैं। ये देखे मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसको मैं शर्ट के साथ अटैच करूंगी। ये मैंने आयरन से इसका सेंटर बना लिया था, तो अब इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी।
चाहे तो आप इसको आयरन से निशान बना लें सेंटर का, या इस तरह से रखकर चौक की मदद से निशान बना लें। ये देखिए, एक साइड प्लेन है, एक साइड पे चौक से निशान बन गया। इसका सेंटर लिया मैंने और इधर से ये शर्ट का सेंटर, इसके ऊपर इस तरह से रखकर पहले मैं सीधी सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ से मैं इस तरह से सारे गले पर इस तरह सिलाई लगा दूंगी। कपड़ा जो है मैं काट कर इसे आयरन कर लूँगी। ये देखें, मैंने इसके नीचे तरपाई लगा दी है इस तरह से। अब इस पर खूबसूरत सी डिज़ाइनिंग करेंगे, तो डिज़ाइनिंग के लिए ये मैंने डोरी बनाई है लूप्स वाली, इसकी वीडियो भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये देखें, और जो दरमियान में यहाँ सेंटर में हमने कपड़ा लगाना है, ये इस तरह से कपड़ा लिया मैंने, इस पर ये प्रेस लगा लिया, ये तकरीबन मैंने 8.5 इंच रखा है। और जो डोरी मैंने बनानी है 5 इंच, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और यहाँ से कट कर दूँगी। ये 2 डोरियाँ बन गई मेरे पास। ये तो अब मैं इनकी इस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी, बहुत ही प्यारी सी। ये इस तरह से आपने इसको रख लेना है इस तरह से। ये देखिए, अब इसको इस तरह से रखें। अब इसको इस तरह से रखना है और इसको यहाँ से इसके अंदर से निकालना है इस तरह से। ये देखिए, अब इसको इधर से नीचे निकाल देना है ऐसे। ये देखिए, ठीक हो गया। अब इसको दोनों को पकड़ के इस तरह से खींच लेना है। ये देखें, बहुत प्यारा डिज़ाइन बन गया है। ये देखें, ये सारी मैंने बना ली है इसी तरह से। जो मैंने प्रेस लगाई कपड़े पर, इस पर सिलाई लगा दूंगी इस तरह से। ये मैंने सिलाई लगा ली है, अब इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और सेम उसी तरह से एक साइड पर मैं निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब जो मैंने डिज़ाइनिंग की है, इसको मैं बिल्कुल इसके इस तरह से सेंटर में रखूँगी। ये देखें, ये इसका सेंटर हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरह से कच्ची सिलाई इसके ऊपर लगा लें, अगर आप वैसे सेट कर सकते हैं तो इसको इस तरह से सेंटर में रखें और इसके एक साइड पर इस तरह से। ये देखिए, मैंने बिल्कुल इसको सेंटर में रखा और इधर इस तरह से सिलाई लगाऊंगी मैं। तो दूसरा पीस, ये लैस जो मैंने आपको दिखाई थी उसका लगाऊंगी। ये मैंने 3, ये मिरर वर्क है सारी लैस, तो ये मैं एक इसके सेंटर में इस तरह से रखूंगी, एक मेरा इधर शीशा आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा, जो मैंने लाइन लगाई है इसके सेंटर पर इस तरह से। ये देखें, ये मैंने एक सेंटर पर रखा, एक इधर आ जाएगा, एक इधर और एक सिलाई के नीचे। इसको मैं इधर से कट कर दूंगी और इसको भी इसी तरह से मैं इसको सेंटर में रखेंगे। और इधर सिलाई आगे भी इसी तरह से
ये किस तरह से शीशा सेंटर में रख लेना है। ये इसी तरह से मैं लगाती जाऊंगी। देखिए मैंने सारी लगा ली हैं। अब इसी तरह से मैं इस साइड पर भी सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ये सेंटर में आ रही है। देखिए कितनी नफासत से गले का डिज़ाइन रेडी हुआ है। ये देखिए मैंने इसका ये सेंटर 1.5 इंच बनाया था, तो अब मैं ये देखें इसको इस तरह से 1.5 इंच को फोल्ड करूँगी। यहाँ से ये इसका सेंटर है, इसके मैं बिल्कुल ऊपर रखूँगी। ये देखें ये इसका सेंटर है, तो इस तरह से सेंटर के ऊपर रखकर मैं इधर भी निशान लगा लूँगी और इस साइड पे। ये देखें ये दोनों साइड से 1.5 इंच हो गया। अब इसके ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा गला परफेक्ट बैठ जाए। ये इसके ऊपर पहले मैं आरजी से सिलाई लगाऊंगी, चाल को बड़ी कर लेंगे। पकड़कर इसको इस तरह से इसका सेंटर बना लें। ये इधर ये सेंटर है, तो मैं इसको इसके ऊपर इस तरह से रखूंगी। ये देखें ये कितना प्यारा सेट आ गया है, बिल्कुल एक ही ऐसा दरमियान से। तो अब मैंने इसके ऊपर ये लैस लगानी है। ये देखें अब अगर मैं इधर सिलाई लगा लूँ तो कोई बात नहीं, अगर ना भी लगाऊँ तो कोई बात नहीं। अब इस तरह से मैं इसके ऊपर मैंने सिलाई लगानी है, लैस रख कर लगानी है। तो अब जब मैं लैस लगाऊंगी ये खुद ब खुद सिलाई में आ जाएगा, और जब मैंने कच्ची सिलाई लगाई आरजी सी वो भी नीचे दब जाएगी। तो यहाँ से देखें गले की शेप गोल है, तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से पकड़ कर ना इस तरह से कर लूँगी। थोड़ा सा खींचने से इसमें थोड़ी सी शेप आ जाएगी, आप भी करके देखिएगा। तो इस तरह से थोड़ा सा आप इसको शेप में दे लें, ये आसानी से लैस इस तरह से गुलाई की शेप में आ जाती है। अब मैं यहाँ से सारी इसके ऊपर भी सिलाई लगा दूँगी। ये देखें खूबसूरत सा गले का डिज़ाइन बन के रेडी हो गया है। देखें बहुत प्यारा लग रहा है बना हुआ गला। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।